नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके पार्ट सेवन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो राजस्थान जीके पार्ट सेवन है, जो बीएसटीसी एंड पीटीटी सहित राजस्थान की विभिन्न भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तथा अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बराबर ही बने बेल आइकन को दबा दें। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलने वाली है। अगर आप जो मैं पार्ट्स अपलोड कर रहा हूँ वो पार्ट्स आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपका राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो। बीएसटीसी और पीटीटी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होने जा रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से 1200 ईसा का सबसे पुराना फारसी लेख कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, अजमेर। अजमेर में 1200 ईसा पूर्व का सबसे पुराना फारसी लेख है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1713 ईसा का दक्षिणामूर्ति लेख कहाँ स्थित है? दक्षिणामूर्ति लेख है कहाँ स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणामूर्ति लेख उदयपुर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राप्त शिलालेखों में से सबसे बड़ी प्रशस्ति किसे मिलती है? तो बड़ी सबसे प्रशस्ति वो है आपकी राज प्रशस्ति। क्या है? राज प्रशस्ति। इसका ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सोता आपकी, निम्न में से हिंदूपद किसे कहा जाता है? हिंदूपद किस राजा को कहा जाता था? तो महाराणा संगा को हिंदूपद राजा कहा जाता था। ऑप्शन आपका ए इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राव लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहाँ वर्णित किया गया? मतलब जो राव लूण कर्ण है इसको कलयुग का कर्ण कहाँ वर्णित किया गया है? कहाँ वर्णित, इसका वर्णन हमें मिलता है? तो ये मिलता है आपके जूनागढ़ शिलालेख में। राय सिंह का जो जूनागढ़ शिलालेख है ना, उसमें इनको मिलता है कि भाई लूण कर्ण है, उसको कलयुग का कर्ण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके, मूर्तिकला की सिद्धस्त सोमपुरा जाति की शिल्पी मूलतः कहाँ से संबंधित थी? सिद्ध हस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी थे वो कहाँ से संबंधित थे? तो भी बांसवा के थे। कहाँ के थे? बांसवा। ऑप्शन बी राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जालौर का कश्मीर किसे कहा जाता है? जालौर का कश्मीर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जालौर का कश्मीर किसे कहा जाता है? बड़गांव रानीवाड़ा को। जालौर का कश्मीर ऑप्शन डी राइट होगा, बड़गांव रानीवाड़ा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से किस रियासत के हाई कोर्ट को महिंद्राज नाम सभा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपकी ऑप्शन डी राइट होगा, मेवाड़ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ नमक संधि कब की थी? मतलब ब्रिटिश सरकार ने उस जैसलमेर है जो राज्य था उस वक्त का, एक रियासत थी, उसके साथ कब संधि की थी? तो ये की थी आपकी 1860 में। कब की थी? 1860 की थी। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती है? मतलब जब भरतपुर की जनता है वो शेर ए भरतपुर किसे कहकर संबोधित करती है? सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा आपके बी राइट, गोकुल जी वर्मा को शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा आपके सी ऑप्शन, 1869 और 1870 में अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, सर प्रताप सिंह 1900 ईसा पूर्व में जोधपुर रिचाला देकर कहाँ युद्ध करने गई? मतलब जोधपुर रिचाला देकर कहाँ युद्ध करने गए? चीन गए थे। कहाँ गए थे? चीन गए थे। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बी राइट होगा। जोधपुर में प्रथम जनगणना कब हुई थी? जोधपुर में प्रथम जनगणना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा आपका सी, 1881 में जोधपुर में प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1830 ईसा में किस राज्य ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? 1830 में किस राज्य ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्या होगा? डी, अलवर। अलवर ने 1830 में राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला आपके, कोटा महाराव और जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? कोटा महाराव और जालिम सिंह के मध्य जो मांगरोल का युद्ध हुआ वो कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1821 में। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1821 में। किन किन के बीच में हुआ था? एक बार ध्यान दो, कोटा महाराव व जालिम सिंह के मध्य हुआ था ये मांगरोल का युद्ध है। पूछ लेते हैं कि मांगरोल का युद्ध कब हुआ था, ध्यान रखना 1 अक्टूबर 1821 में हुआ था। अगला, निम्न में से मास्टर आदित्य
त्येंद्र का शिष्य कौन था? तो यू थे प्रताप सिंह भारट। प्रताप सिंह भारट ऑप्शन सी राइट होगा, जो मास्टर आदित्येंद्र सिंह का शिष्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके, हरिभाई उपाध्याय ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि हरिभाउ उपाध्याय ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ मिलकर कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका ऑप्शन आपका बी राइट होगा, सरस्वती। सरस्वती पत्रिका है, उसका संपादन किया था हरिभाई उपाध्याय और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरिभाउ उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? कब हुआ जन्म हरिभाई उपाध्याय का? तो इसका जन्म हुआ 1892 में। कब हुआ था? सन 1892 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। 1857 की जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें फांसी पर चढ़ने वाला राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका नाम है डी अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया वे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनने फांसी का फंदा सूम लिया था, राजस्थान के व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ हरिजन की स्थापना कब हुई? मेवाड़ हरिजन की स्थापना हुई थी, आपके ऑप्शन डी राइट होगा, सन 1941 में मेवाड़ हरिजन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपकी 21वां, निम्न में से मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, सन 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला किसने, हिंदी साहित्य समिति भरतपुर के संस्थापक कौन थे? जो हिंदी साहित्य समिति भरतपुर थी, उसके संस्थापक कौन थे? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जगन्नाथ अधिकारी। जगन्नाथ अधिकारी, ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन शायद आपने नहीं देखे हुए, इसमें से आपको करीब 5 से 7 क्वेश्चन आते होंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं आते होंगे, मैं जानता हूँ। इससे आगे है, अग्निबाण समाचार पत्र का प्रकाशन जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया? जो अग्निबाण समाचार पत्र का है प्रकाशन जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सन 1937 में इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जमनालाल बजाज स्वयं को कौन सा गुलाम कहते थे? तो गुलाम नंबर चार कहते थे। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की थी? दयानंद सरस्वती ने चैत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की थी? इसका ऑप्शन आपका होगा डी राइट, उदयपुर में की थी। कहाँ की थी उन्होंने? चैत्यार्थ प्रकाश की रचना उदयपुर में की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में आज़ादी आंदोलन का जन्म किसे कहा जाता है? बीकानेर में जो आज़ादी का जो आंदोलन है उसका जन्म किसे कहा जाता है? तो ये मगाराम वेद को बीकानेर में आजादी आंदोलन का जन्म कहा जाता है, और बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, मगाराम वेदिय। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नियुक्त पहली एजीजी कौन थे? नियुक्त पहला एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, मिस्टर लॉकेट। ठीक है, ऑप्शन बी आप इसमें राइट होगा। 28वां, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सोकाड़िया, जो मुख्यमंत्री काल में सर्वाधिक रहने वाले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग उठाने वाला नेता? सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग उठाने वाले, बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, वो ये है उत्तरदायी शासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मांग उठाने वाले नेता कौन थे। तो ये थे आपकी सी ऑप्शन, जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज थे, जिन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग उठाई थी। अगला क्वेश्चन है आपके, लक आउल कक्कड़ के नाम से किस नेता को जाना था? लख आऊ कक्कड़ के नाम से किस नेता को जाना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने कभी ये परीक्षा में नहीं देखा होगा लेकिन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लख आऊ कक्कड़ के नाम से किस नेता को जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन इसमें डी राइट होगा, जय नारायण व्यास को लख आऊ कक्कड़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 31वां, सर्वहितकारी पत्रिका बूंदी से कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, क्या होगा, 1879 में हुई। और अगला क्वेश्चन है आपके, 32वां, दैनिक नवज्योति का प्रकाशन कब हुआ? दैनिक नवज्योति का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ आपका ऑप्शन बी राइट है, 1937 में दैनिक नवज्योति का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान की किस चेयर से सूत्रपात किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन है उसका सूत्रपात में शुरुआत है वो कहाँ से की गई थी? जोधपुर से की गई, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, 37वां, निम्न में से मत्स्य संघ का नाम किसके द्वारा दिया गया? मत्स्य संघ है
जो इसमें मत्स्य संघ में जो जिले आते हैं चार, ठीक है। तो मत्स्य संघ इसका नाम किसने दिया था? ये दिया था आपके के एम मुंशी जी ने। क्या किसने दिया था? के एम मुंशी जी ने। ऑप्शन आपका बी इसमें राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ को 1949 में राजस्थान का भाग की स्थिति को बनाया गया। नहीं, मत्स्य संघ को इसका भाग बनाया गया, वो आपको बनाया गया 15 मई को। कब बनाया गया? 15 मई को, ठीक है। ऑप्शन इसमें डी राइट होगा आपका। राज्य पुनर्गठन आयोग की अभिशंसा से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मिला आया? भाई राज्य पुनर्गठन आयोग थी जिसकी स्थापना हुई थी, भाई राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के बाद जो 1956 में, सॉरी हाँ, तो उसके बाद में जो अभी अनुशंसा के बाद कौन कौन से मिला गया, तो ये एक तो अजमेर था और आबू और सुनील टप्पा, ठीक है। ये थे, सुनील टप्पा पहले मध्य प्रदेश में था, ठीक है, फिर राजस्थान में इसको मिला दिया गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका डी राइट होगा, अजमेर है, आबू है और सुनील टप्पा है, तीनों को 1956 में मिलाया गया था, ठीक है। ऑप्शन इसमें डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अजमेर मेरवाड़ा को उसकी अलग व्यवस्था के कारण किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था? तो अजमेर मेरवाड़ा है, इसको सी श्रेणी का रखा गया था, ठीक है, केंद्र शासित माना गया था, ठीक है, सी इसमें ऑप्शन राइट होगा। 38वां, 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलाकर वित्त राजस्थान का निर्माण किया गया? वित्त राजस्थान का निर्माण 4 राज्यों से मिलाकर किया, 4 रियासतों को मिलाकर किया था। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा, ठीक है। राजस्थान संघ का अंतिम निर्माण कब हुआ था? अंतिम राजस्थान संघ इसका अंतिम निर्माण है वो कब हुआ था? वो आपके हुआ था 18 अप्रैल 1948 में। कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 में। इसका ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। संयुक्त राजस्थान का नाम कब अंगीकृत किया गया? ऐसे सवाल पूछते हैं, संयुक्त राजस्थान का नाम कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वृत्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? वृत्त राजस्थान इसके राज प्रमुख कौन थे? ऑप्शन सी राइट होगा, महाराजा मान सिंह थे। कौन थे? सिंह। अगला क्वेश्चन है, 42वां, निम्न में से मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम कुमावती, शोभाराम कुमा। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। राजस्थान के भौतिक क्षेत्र के, राजस्थान का नाम कब दिया गया? जो भाई राजस्थान का पहले इसका नाम अलग था, 1 नवंबर 1956 में जब राजस्थान का रियासतों का सब एकीकरण हो गया था, उसके बाद इसका नाम दे दिया गया था राजस्थान। क्या दिया गया था नाम? राजस्थान, 1 नवंबर 1956 से, ठीक है। अगले क्वेश्चन, श्री गोकुल भाई भट्ट किस प्रजामंडल से संबंधित है? प्रजामंडल, गोकुल भाई भट्ट का संबंध किस प्रजामंडल से? सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने ही की थी। इनमें से आबियाना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, आबियाना, आबियाना है ये क्या है? आबियाना, आबियाना है पानी पर टैक्स। पानी पर जो पहले लोग पानी पर जो टैक्स देते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आबियाना कर, आबियाना कर। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ये, 46 क्वेश्चन नंबर, ये आप ध्यान रखना। अगला, निम्न में से दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता? दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? दूसरा जवाहरलाल, पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता था, पंडित इनको, दूसरा जवाहरलाल नेहरू। उस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। इसमें केसरी सिंह बारड़ की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 14 अप्रैल 1941 को केसरी सिंह बारड़ की मृत्यु हुई थी, ठीक है। महात्मा गांधी हत्या के संधि में नजरबंद किए जाने वाले अलवर के दीवान कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर NB खर्रे, NB खर्रे थे जिन्हें महात्मा गांधी हत्या के संधि में नजरबंद कर दिया गया था, ठीक है। अगला है आपके, निम्न में से तलवार बंदाई क्या है? तलवार की बंदाई क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी क्वेश्चन। तलवार बंदाई ये होती है जब राजा की मृत्यु हो जाती है, राजा अपनी स्वेच्छा से अपना सिंहासन छोड़ कर अपने पुत्र को देता है, उसको उत्तराधिकारी को देता है, उस वक्त जनता से जो कर लिया जाता है उसे कहते हैं तलवार बंदाई, ठीक है। यानी कि उत्तराधिकारी सुलग, जब उसका उत्तराधिकारी उस गद्दी पर बैठता है उस वक्त वहाँ की जनता जो उसकी राजा के अधीन जनता उनसे लिया जाने वाला वो उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी शुल्क कहा जाता है, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके सिवाय आपके और भी कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर दीजिएगा, और ये जो मैं पार्ट्स ला रहा हूँ ये सारे पार्ट्स आप देखिएगा, इससे आपका GK स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि GK, ये मैं जो GK वाले पार्ट्स ला रहा हूँ ये कोई सिंपली नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट से वही लेके आ रहा हूँ। बाकी तो आप किताब में पढ़ते ही हैं और आपको पढ़ना भी चाहिए। धन्यवाद।